भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी अब पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर एक सामाजिक यात्रा निकालने जा रहे हैं। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और राजस्थान में इस वक्त बहुजन समाज पार्टी संकल्प यात्रा निकाल रही है और उससे पहले आजाद समाज पार्टी खुद साइकिल यात्रा निकाल रही थी। लेकिन अब आज जयपुर से चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान कर दिया कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तत्वाधान में पूरे देश भर के अंदर संविधान बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पैदल और साइकिल से होगी और पूरे देश के अंदर होगी, जो मध्य प्रदेश में भी जाएगी और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी आएगी और अलग अलग राज्यों के अंदर भी जाएगी। क्या कुछ चंद्रशेखर कह रहे हैं कुछ सुन भारतीय संविधान बचाओ यात्रा शुरू करेंगे पूरे देश के अंदर। और वो यात्रा मध्य प्रदेश से शुरू होगी, वो यात्रा राजस्थान में भी आएगी और देश के पूरे देश के कई कोनों में जाएगी। उस यात्रा का मकसद ये है कि जो संविधान इस देश के हर एक व्यक्ति को बराबर का सम्मान और अधिकार और अवसर देता है, हम करोड़ों शोषितों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन देता है, देश की महिलाओं को सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने का अधिकार देता है, वो संविधान जो गैर बराबरी से मुक्ति की बात करता है, वो संविधान जो अन्याय अत्याचार को खत्म करने की बात करता है, वो संविधान जिसकी वजह से प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा यहाँ खड़ा होकर बोल रहा है। आप इस मंच पर उपस्थित है और यहाँ इतने अच्छे माइक लगे, टैग लगे, उस संविधान की रक्षा बजट के लिए भी आदमी का जन्म हुआ था। इसलिए मैं आपको वचन देके वादा करता हूं, मेरा वचन अटल है। सूर्य पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, मेरी बात को याद रखना, लेकिन चंद्रशेखर आजाद आज अपने समाज से वादा कर रहा है कि भारतीय संविधान पे आंच नहीं आने दी जाएगी जब तक मेरे शरीर में गोली कल के रखी आज लगे। मुझे ये भी नहीं पता मेरा आखिरी दिन क्या होगा और कौन सा होगा, मगर मैं जानता इसका कल आगरा जाएगा और मेरे लहू का एक कतरा इनकलाब लाएगा, ये बात याद रखना आपको।